बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, शादोआबाद रखे। हमारी दुआ होती है आप सब देखने वालों के लिए, देश परदेश से जो मेरे प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें बिल्कुल ठीक है। तो आज आप देख रहे होंगे कि जी आयशा कहाँ आ गई है। आयशा तो एक कच्चे से घर में रहती है जिसका कच्चा सा कमरा है, लकड़ियों की छत है। तो आयशा आज ये कहाँ आ गई, तो मैं आपको बताती चलूँ मेरे प्यारे से बहन भाइयों। आज मैं आई हुई हूँ अपनी देवरानी के घर, अपनी सास के घर, जहाँ मेरी सास रहती है। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर असल में थी हमारी अफ्तारी, हम अफ्तारी के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी अफ्तारी हो चुकी है। अफ्तारी की रूटीन मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि रश आना जाना सारे अफरा तफरी थी, मैं वहां रूटीन नहीं बना सकी, माजरत के साथ जी। आप लोग कहेंगे समझदार हैं, समझ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी भी कुछ मेहमान हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे डेली वीडियो अपलोड करनी होती है। पिछले दिनों भी मेरी एक छुट्टी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे अफसोस रह गया था। तो प्यारे बहन भाइयों जी आपको ना अब किचन में भी चल के दिखाते हैं, किचन का व्यू करवाते हैं कि अगर किचन में कोई नहीं है तो चलते हैं जी किचन में। प्यारे बहन भाइयों जी ये सहन है माशाल्लाह, यहाँ पर जी गैराज भी है, कमरे भी हैं काफी सारे, सहन है ये माशाल्लाह, छत है, छत का भी सारा आपको टूर करवाएंगे, पूरे होम का टूर करवाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला, बहुत प्यारा घर है। तो जी अब जो है मैं आपको किचन में भी लेकर चलती हूँ क्योंकि अंदर जो है रश बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और मेरी सास ने मुझे इजाजत दी कि जी आप वीडियो जरूर बनाओ, जरूर अपलोड करो क्योंकि आपकी वीडियो जो है ना मिस नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कहा है कि अम्मी मैं घर जाकर ना रात को लेट बेशक पहुंचूं घर तो वहीं वीडियो बना लूंगी क्योंकि यहाँ पर हम सुबह के आए हुए हैं। तो जी इसलिए ना अब अम्मी ने इजाज़त दी कि यहीं पर वीडियो बना लो, तो जी मैं यहीं पर बना रही हूँ। ये इस घर के बच्चे हैं माशाल्लाह, इधर आओ हुसैन, हुसैन आ जाओ बेटा। ये जी मेरे अहमद के कज़न हैं, उनके चाचू के बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे बहुत क्यूट हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें अल्लाह इनको लंबी जिंदगी अच्छी सेहत अता करे, आमीन। तो चलते हैं किचन में माशाल्लाह। खूबशुक वाला किचन जी, ये है खूबशुक वाला किचन, ये खूबशुक वाला किचन है। आप देखते होंगे इस किचन को, आपको बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पर रेसिपियाँ बनती हैं जो मेरी सास बनाती है रेसिपियाँ। तो जी अब जी मैं यहाँ पर चाय भी बनाऊंगी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला, चाय भी बना के आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि रोजा अफ्तारी कर ली है, खाना पीना सारा माशाल्लाह हमने खा लिया लेकिन हमने अभी तक चाय नहीं पी, तो चाय अब सबके साथ मिलकर पिएंगे इंशाल्लाह ताला ना। तो प्यारे बहन भैया हम कमरे में आ चुके हैं क्योंकि मेहमान जो है अभी घर से गए नहीं है, मेहमान अभी घर में ही मौजूद है, तो अच्छा नहीं लगता सारे मेहमानों के बीच में पागलों की तरह वीडियो बनाती फिर। तो प्यारे बहन भैया आपका जरूर जी चाह रहा होगा कि आयशा बाजी जो है वो अपनी सास का पूरा घर टूर करवाए, मुझे दिखाए हम सबको। तो जी जरूर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, ऊपर वाला हिस्सा नीचे सारा इंशाल्लाह आपको जरूर जरूर दिखाएंगे। तो जी प्यारे बहन भाइयों यहाँ पर एसी वगैरह चलता है ना, इसीलिए कंबल लिया हुआ है हमने। तो जी अपने बिस्तरे वगैरह जो है लपेट लपूट के रख दिए हैं। मोहम्मद सिंह गिर जाओगी बेटा, यहाँ बैठो मेरी जान। तो प्यारे बहन भाइयों आप लोगों को बताती चलूं, यहाँ पर भी बड़ी सारी फैमिली रहती है। मोहम्मद सिंह के ना मुझे गिरने का डर है कि ये गिर ना जाए। भैया जानी आप भैया के साथ ना यहाँ पर खड़े होके खेलो। और ये देखो ये तलवार, ये देखो तलवार, बंसी की तलवार लगती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों हाँ ज्यादा ही खा लिया है, कोई बात नहीं ज्यादा खा ली तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल में हमारे सारे बहन भी सुन रहे। तो फातिमा कह रही है मम्मा आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अच्छी बात है अगर खा लिया तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर खाने के लिए बुलाया गया था ना। लगता है आपने भी यही काम किया। नहीं जी मैंने नॉर्मल खाया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ना जब मैं खाना खाना शुरू हुई ना तो मुझे मोहम्मद सिंह ने तंग करना शुरू कर दिया, मेरा खाना वहीं पर ही रह गया। तो जी इंशाल्लाह ताला जब घर जाएंगे तो हमें डाल के दे देंगी जो हम घर जाकर फिर रात को खाएंगे, है ना मोहम्मद सिंह। अम्मी हमें या तो बिरयानी डाल के दे देंगी या तो सालन वगैरह कोई चीज अम्मी जरूर दे देंगी, हम घर लेते जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी मोहम्मद। तो प्यारे बहन भाई यूं ही आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहेगा, मैं इतना बड़ा घर नहीं
इतना आलीशान घर नहीं तो छोटा सा घर जरूर बना लूंगी इंशाल्लाह ताला। सब मेरे अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह पर पूरा यकीन है और प्यारे दोस्तों आप लोगों पर पूरा यकीन है मुझे इंशाल्लाह ताला। क्यों फातिमा बेटा? बिल्कुल सही, आप लोग हमारी बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, मेरी मम्मा की तो खास तौर पे बहुत ज्यादा करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, वहीं से ही हमारी सपोर्ट होगी और हम हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करते हैं। सच में झूठ नहीं बोल रही मैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। जब मैं जाकर देखती हूँ ना वाईटी में तो मुझे इतना प्यार वहां पर मिलता है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखिए, आमीन। ये देखें जी प्यारे दोस्तों, मोहम्मद इतना खुश हो रहा है इस चेयर पे बैठ के ना, बार बार कहता है मम्मा इस चेयर पर बिठाओ और मैं ना इसके ऊपर बैठ के खेलूं। फातिमा ने अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा खाना भी दिया था, बैठ के खा रहा था, उस वक्त आपने वीडियो नहीं बनाई ना प्यारे दोस्त, सारे देखते थे बहुत खुश होते। मोहम्मद आपको मजा आ रहा है इसमें बैठ के? हाँ मजा आएगा। चलो जी अब चलते हैं उस कमरे में, क्योंकि सारे वहाँ पर मौजूद हैं तो हमें भी वहाँ पे चलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी चलते हैं दादी अम्मी के पास, ठीक है? दादी अम्मी के पास चले मोहम्मद, कोई बैठाओ मुझे सुन रहे हो, मोहम्मद को बिठा दे इसके ऊपर, ये देखो भाई। अरे वाह मोहम्मद बैठ गया, अच्छे से बैठना भी आता है यार। जी 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 गो। तो प्यारे बहन भाइयों ये वाला जो कमरा है ना, ये कमरा है मेरी सास का, तो माशाल्लाह यहाँ पर मेरी सास होती है इस कमरे में। तो अभी सारे मेहमान और कमरे में बैठे हुए थे, ये कमरा फ्री था तो मैं यहाँ पर आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये कमरा भी कैसा लग रहा है ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी भाई काफ़ी देर हो गई है बैठे हुए, हम लोग बातें करें अम्मी के साथ, अम्मी हमारे साथ बैठी हुई है। तो जी अम्मी वीडियो में आती नहीं है लेकिन कोशिश बहुत करती है कि मैं भी आऊं, क्योंकि अम्मी का अपना चैनल है ज़ाती कुक शो, तो अम्मी बहुत ज़्यादा कोशिश करती आऊं लेकिन दिल नहीं बांधती ना, क्योंकि आपने देखा है जो रिश्तेदारों ने मेरा हशर किया है, सारा ख़ानदान मुझे छोड़ गया है, सौ सौ बातें होती हैं, इस वजह से ना फिर अम्मी घबराती हैं। हालाँकि अम्मी के बिल्कुल यानी कि मेरे साथ सपोर्ट है पक्का पक्का। तो जी हम यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बना लूँ उठकर, अम्मी भी काफ़ी थक गई है, बहुत ज़्यादा मेहमान थे, सबकी मेहमानबाजी करते करते हम सारे मिल के ना, तो अब जी चलते हैं चाय वगैरह बनाते हैं। और दूसरा जी अम्मी मेरे घर आएंगी इंशाल्लाह ताला, अम्मी को मैं वहाँ अपने घर बुलाऊँगी ज़रूर ना, वहाँ अम्मी को खाना शाना खिलाएंगे, अच्छी अम्मी की दावत करेंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द आप सबकी दुआ से इंशाल्लाह ना। वैसे तो अम्मी वाले आते हैं लेकिन वीडियो में नहीं बनाती, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरे घर जो भी मेहमान आता है अपने आते हैं पराए आते हैं, तो मैं वीडियो नहीं बना सकती ना, वजह आप सबको पता है मेरे प्यारे भाई। ये जी बहुत शरारती है हमारा काका छोटा, अब उससे छोटा एक मोहम्मद सही है हमारे पास, मोहम्मद सिंह तो स्कूल से का ना दीवाना हुआ पड़ा है, इसके साथ खेल रहा है, इसको जगह जगह लेके खेल रहा है साथ। अम्मी और फातिमा जी हंस रहे हैं, खूब गपशप लगा रहे हैं, और मैंने सोचा जी मैं बना लूं जल्दी अच्छी सी करके चाय मजेदार सी, पता नहीं गैस इस वक्त होगा या नहीं, कोशिश करके देखते हैं। जी माशाल्लाह गैस है यहाँ, तो भाई मौजे ही मौजे हैं, जब यहाँ आती हूँ ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जैसा कि मैंने आपको बताया है, ज़्यादा बड़ा नहीं इंशाल्लाह ताला, छोटा सा सही, अल्लाह पाक अपना घर दे मुझे, आप सबकी दुआओं से ना अल्लाह मुझे अपना दे। मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बहन भाइयों, असल में ना यहाँ पर तीन फैमिलियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी, जिनके अपने अपने बच्चे हैं, अगर मैं भी यहाँ पर आ जाऊँ तो आपको पता है वैसे तो कोई आने नहीं देता, हर कोई शादियों के बाद अलग अलग हो जाता है, अलग अलग रहता है, अगर मैं आ जाऊँ तो सौ मसले हो जाएंगे ना। अम्मी को तो कोई एतराज़ नहीं है, और क्या कहते हैं पति कौन सी है यार, मुझे पति का भी नहीं पता कि पति कहाँ है, और चीनी तो ये सामने पड़ी है लेकिन पति का नहीं पता पति कहाँ है ना प्यारे बहन भाइयों। और ना बच्चों के लड़ाई झगड़े, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ लड़ाइयाँ ज़रूर होती है, फिर बड़े डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, महसूस करते हैं फिर बच्चे भी बड़े भी आपस में ना,
इस तरह से 100 मसले होते रहते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं दूसरे बड़े वाले घर में रहती थी, जहाँ से मैंने वो घर छोड़ दिया, वहाँ मेरी और देवरानियाँ रहती थी। हाँ जी, ये पत्नी है माशाल्लाह। तो जी, वो घर भी मैंने छोड़ दिया इसी वीडियो के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पर भी सही हमारा वो नहीं हो रहा था जी। अब जो है माशाल्लाह, मेरा अपना घर है जहाँ देहात में आप देखते मैं रहती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मा जब हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा और हमारे पास अच्छी इनकम आना शुरू होगी, अभी तो शुरुआत है, तो जी फिर हम ना शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा, बेटा हम वहीं पर ही अपना घर बनाएंगे, वहीं पर ही हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे तो जो रब चाहता है वही होता है, इंसान के चाहने से कुछ भी नहीं होता, मेरा रब जो चाहता है वही होता है जी। मैं अब लेकर आती हूँ पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे चाय में। जी पानी मैंने डाल दिया है और चाय दूंगी अपनी सास को, थोड़ी सी बिल्कुल वो पिएगी। फातिमा लेगी, मेरी एक देवरानी लेगी और बड़ी वाली देवरानी वो नहीं ले रही चाय, बाकी जी मैं पीऊंगी। और दूसरा, वो जो मेरी बड़ी वाली देवरानी है ना, वो शायद अब ये घर छोड़कर चली जाएंगी। आपने देखा था कमरे में दो अलमारियाँ, एक बड़ी की है एक छोटी की है, तो ना बड़ी वाली जो देवरानी है ना, वो भी ये घर छोड़कर अपना अलहदा हो रही है सेपरेट, क्योंकि आपको पता है आजकल मुश्किल दौर चल रहा है, सारे साथ साथ नहीं रह सकते। इसीलिए जी चलो अब साथ साथ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और हम बना लेते हैं चाय। मैंने पवा उठाया, नहीं उठाया मैंने पवा, ना पवा यहाँ से उठा देते हैं, मेरा पवा। प्यारे बहन भाई, आप लोगों को यकीनन ये घर बहुत प्यारा लगा होगा। एक दिन ना मैं इस पूरे घर का होम टूर आप लोगों को दूंगी इंशाल्लाह ताला, जब मेहमान वगैरह नहीं होंगे, जैसे खाली होता है घर, अम्मी और सारे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं सारे घर का टूर दूंगी, विजिट करवाऊंगी आप लोगों को ना। मेरी अम्मी का घर तो आप लोगों ने देखा हुआ है। तो प्यारे बहन भाई, जरूर चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और जी दुआ में याद रखें, बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप लोग खुश रहेंगे अपना ख्याल रखेंगे तो मैं खुश रहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ ही साथ साथ रहेंगे, हम भी अपना ख्याल रखते हैं जी, आप सबके सामने है मेरे घर की रूटीन। तो प्यारे मेरे बहन भाइयों, हमारे बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, शादोआबाद रखे जी। उनका नाम है अक्सा, मुस्तफ़ा, अलीना, नेहा, अजलान। तो जी ये बहुत प्यारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, इन्होंने कहा जी मेरा नाम लेना, हम आपका नाम वीडियो में ले रहे हैं, शायद आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे ना। तो जी उम्मे हबीबा एक मेरी बहन है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। एक सादिया है मेरी बहन, बहावलपुर से उम्मे हबीबा है, तो जी अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे, सलामत रखे, मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो मेरे प्यारे बहन भाई, वो चाय हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है, अब चाय निकालते हैं और आपसे इजाज़त भी चाहते हैं जी। चलें जी चाय निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाई, वो चाय हमारी जो है ना अच्छे से पक चुकी है, मैंने काफ़ी देर चाय को पकाया है। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चाय डाल लेते हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहने से ज़िंदगी बढ़ती है, इंसान टेंशन लेता है, परेशान होता है, तो वो बीमारियों में मुबतला हो जाता है और ये सेहत के लिए बहुत बहुत नुकसान है। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, आप सबको तो समझा रही हूँ लेकिन खुद ना समझ बनी रहती हूँ, तो मेरे लिए भी दुआ किया करें मेरे प्यारे बहन भाइयों। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे बहन भाइयों।